बने रहे। 12 अक्टूबर सन 2017 और गुरुवार का दिन है और अपने हृदय के भावों को लेकर आपके सामने हूँ और खाली इतना कहना चाहता हूँ कि संपूर्ण समस्याओं का समाधान देवादिदेव शनिदेव ये मंत्र कि ओम शाम शनिश्चराय नमः, ओम शाम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये 20 मिनट आप मेरे साथ रहेंगे। जरा इन आँखों में देखिए और इन आँखों में देखते हुए ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, आपका कल्याण होगा। क्या आपकी संतान को सुख नहीं है या फिर आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि नहीं हो रही है? क्या आपके कारोबार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है या फिर कारोबार में घाटा हो रहा है या प्रयासों के बावजूद भी घर में बरकत नहीं हो रही है या कान में दर्द रहता है? इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान आज का गुरु मंत्र न मना रहे। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनिमोषा महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। 18 नवंबर सन 2017 शनिमोषा महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाभिषेक संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और NCR के लोगों से मेरा निवेदन, श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर आने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा है और ये बस सेवा KR मंगलम ग्रुप, जो एजुकेशन का ग्रुप है KR मंगलम, उन लोगों की बस है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो का प्रयोग करें। छतरपुर मेट्रो से आपको निःशुल्क बस की सुविधा मिलेगी शनिधाम आने और वापस। मित्रों का सवाल कि हमारी संतान को सुख नहीं है, हमारी संतान की प्रगति नहीं हो रही, हमारा संतान का विकास नहीं हो रहा, हमारी संतान को सफलता नहीं मिल रही, क्या करें दाते महाराज? यदि प्रयासों के बावजूद भी संतान में विकास नहीं हो रहा है तो सफेद कपड़े में साबुत लाल मिर्च, 7 चुटकी सिंदूर, 7 लोहे की कील, 7 साबुत उड़द के दाने, 7 नमक की डली बांधकर पोटली बना दे। इस पोटली को बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार कर पोटली को अपने घर के किसी एकांत कोने में लटका दे और 7 दिन बाद पानी में प्रवाह करें और दूसरी कर दे। अब ये करके देखिएगा, अवश्य संतान को सफलता मिलेगी। न मना रहे। अब बात करते हैं गुरुवार के पंचांग की। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी विक्रम संवत 2074 गुरुवार का प्रातःकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र चंद्रमा मिथुन राशि में है। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 12 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 अक्टूबर आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना, कारोबार को लेकर परेशान, परिवार को लेकर परेशान, स्वास्थ्य को लेकर परेशान, कैरियर को लेकर परेशान, शिक्षा को लेकर परेशान, रोजगार को लेकर परेशान। दिन शाम पहुँच परेशानी का समाधान है। रात को सोते समय जूट की थैली में 70 ग्राम सौंफ भरकर सिराने रखें और प्रातःकाल किसी मंदिर में रख दिया, बैठे पानी में प्रवाह करें। सूखा नारियल अपने ऊपर से 7 बार उसका 40 रविवार किसी मंदिर में दान दें या बहते पानी में प्रवाह। बहुत सुंदर उपाय है। नमनारायण। एक कदम सितारों की ओर और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करूंगा गुरुवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। समय उत्तम, सितारों का शुभ संकेत, स्वजनों का सहयोग सफलता में सहायक सिद्ध होगा। सूझबूझ और परिश्रम से कार्य किया तो प्रत्येक योजना सफल होगी। व्यवसायी आदि में कार्य वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कार्य क्षमता का विकास होगा। क्या करें, जो आपने सोचा है आज उसको पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें, धन और समय का दुरुपयोग न करें। न मना रहे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, गोचर थोड़ा सा मध्यम, जिस तरह के घर योगायोग है गुजारने लायक धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। किए गए प्रयास सार्थक होंगे।
और कारोबार में भी अनुकूलता रहेगी, लेकिन दिन भर भागदौड़ और परेशानी लगी रहेगी, कार्य में थोड़ी रुचि भी कम होगी। हाँ, घूमने फिरने और मनोरंजन में रुचि बढ़ेगी, खर्चा थोड़ा सा है, अंकुश लगाना पड़ेगा। और विद्यार्थियों को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्या करें? थोड़ा सा खान पान के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? बेवजह का फेरबदल ना करें, ना बना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। जिस तरह के घरे योगा योग है, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, मनोबल बढ़ेगा। कारोबार में जिस सूझबूझ से आप काम कर रहे हैं, कार्य में प्रगति होना असंभव है। और यात्रा चाहे कारोबारी हो चाहे घूमने फिर आनंददायक रहे, किसी नए काम के संबंध में अनुबंध प्राप्त हो सकता है और ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। प्रयासों के अनुकूल आशा से धन लाभ होगा, मित्रों और स्वजनों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें? खर्चे पर नियंत्रण रखना आज बहुत जरूरी है। क्या ना करें? अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहे तो बड़ा अच्छा रहेगा, न मना रहे। मैं इस वृषभ मिथुन की बात करी, अब कर्क सिंह कन्या की बात करूं, लेकिन उससे पहले गुरुवार का राहुकाल और गुरुवार की यात्रा। गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है, न मना। बात करते आज की यात्रा की। विद्वान लोग कहते हैं कि पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय। मेरा कहना है कि समय और साधन बदल गए। मैं उनकी बात नहीं काट रहा हूं, लेकिन समय और साधनों में बहुत बदलाव आया है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के श्री विग्रह के सामने गाय की घी का दीपक जला, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप, पीले कनेर के पुष्प अर्पित करो, जीरा चबाते हुए यात्रा पे जाए तो यात्रा में कष्ट कम आएगा, नमना। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, चंद्रमा 12वें है, गोचर अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा, समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, थोड़ा सा सावधानी से काम करना होगा। भयभीत नहीं हो साथियों, खाली आपको संकेत दे रहा हूं, थोड़ा सा सावधानी से काम करना। विशेष कार्य और वार्ता को आज स्थगित रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने व्यवहार में नरमी बना के रखें, क्योंकि आज न दोस्तों का न पारिवारिक लोगों का सहयोग नहीं मिल पाए। और जिस तरह के ग्रह योगा योग है, कारोबारी यात्रा में भी हानि की प्रबल संभावना है, थोड़ी सी सावधानी। शारीरिक कष्ट और भागदौड़ आज बनी रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक कर्क राशि वालों, समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। छोटा सा उपाय, नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र, इस मंत्र का जाप कर भगवान शिव के शिवलिंग पर आज दही से अभिषेक करिएगा, कल्याण होगा आपका। क्या करें? पारिवारिक संतुलन बना के रखें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से नाराजगी मोल न लें, न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, गोचर की बात कर रहा हूं, और गोचर पूर्णता आपके पक्ष में संकेत दे रहा है। सितारों की चाल आपके पक्ष में करवट ली है और आपके लिए बड़ी अनुकूल है। आज आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, पिछली संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, धन लाभ होगा। कार्य की सफलता के लिए जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, देश विदेश से शुभ समाचार मिलेंगे। पुराने मित्रों से स्वजनों से मित्रों से मिलने का सुअवसर मिलेगा और दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। क्या करें? थोड़ा सा जो अपना जीवन साथी होने उसकी बात का भी कभी कभी महत्व देना बहुत जरूरी। आज के दिन इस बात का बहुत महत्व का, अपने जीवन साथी की बात का महत्व दें। क्या ना करें? बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो अनावश्यक कारोबारी यात्राएं ना करें, ना मनाएं। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, ग्रहगोचर की शुभता अनुकूलता का पूर्ण संकेत दे रही है, और गोचर ये संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, अधूरे कार्य अप्रत्याशित रूप से पूरे होंगे, शास्त्र और बाहुबल में वृद्धि होगी, छोटे भाई से विशेष सहयोग की आशा की जा सकती है, कारोबार में वृद्धि होगी, धन लाभ से मान और सम्मान और प्रसन्नता बढ़ेगी। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? अपनों की उपेक्षा ना करें, न मना रहे। कर्क सिंह कन्या की बात करी, तुला वर्षिक धनु की बात करो, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति रहे, प्रगति हो, विकास हो, चारों ओर खुशहाली रहो, तो वास्तु सलाह ये संकेत देती कि घर के मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह जैसे ओम हो गया, स्वस्तिक होगा, गणेश जी का लगाना शुभ माना जाता है, ऐसा वास्तु सलाह कहती,
दबाव मेरा है नहीं, जरा इसको देख लेना नमनन, और बात करते हैं आज के सुझाव की। आज गुरुवार का दिन और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए 12 के 12 राशि के लोग अपने इष्ट देवता का गाय के घी का भोग लगाए और काजू से बनी मिठाई का भोग लगाए गरीबों में बांट दीजिएगा, बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा। नमनन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, गोचर कह रहा है कि थोड़ा सा मध्यम में परेशानी कहीं नहीं, थोड़ा सा काम की गति में सजगता रखनी पड़ेगी। व्यवसायिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव है लेकिन लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मध्यम जरूर है लेकिन सारे काम आपके बनेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारी आप निभाने में सफल होंगे। खर्चा अधिक है, थोड़ा सा अंकुश रखें। संतान पक्ष की कोई चिंता नहीं हो, इस पर थोड़ी सी सावधानी बरतें। क्या करें, सहकर्मियों से, अपनों से, परिवार के लोगों से व्यवहार में थोड़ी सी सहजता रखें। क्या ना करें, किसी से भी झूठे वादे ना करें। नमोनाम। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक, सितारों की चाल आपके अनुकूल नजर नहीं आ रही है, थोड़ा सा क्रोध पर काबू करना होगा। जिस तरह की ग्रह योगाय हो गए, अपनों पर शंका नहीं करना, अपनों को साथ लेके चलना। और अपनों पर शंका करी, अपनों को साथ लेके नहीं चले तो तकलीफ है। आपके अपने लोग या सहयोग नहीं करेंगे, असमर्थ होंगे। गैर कानूनी कार्य बिल्कुल नहीं करें और लेन देन से बचें। जीवन साथी से मतभेद की प्रबल संभावना, जरा ध्यान रखें। विचारों में अस्थिरता बनी रहेगी। किसी प्रिय वस्तु के खूब गुम हो जाने का भी भय नजर आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वृश्चिक राशि गोचर यही संकेत दे रहा है। श्रद्धा अनुसार गुड़ सफाई कर्मचारी को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। क्या करें, आप चाहते हैं कि सारा माहौल ठीक रहे तो वाणी की अनुकूलता बना के रखें। क्या ना करें, अनावश्यक कारोबारी यात्रा आज उचित नहीं है। नमोनारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों, ग्रह गोचर की बात करो, सितारे ये कह रहे कि मुस्कराइए, भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। सितारों की चाल अनुकूल है। व्यावसायिक परेशानियों से राहत मिलेगी। दाम्पत्य संबंधों में सुधार, ससुराल पक्ष से लाभ के अवसर। मानसिक चिंताएं दूर होगी। रहन सहन में उत्तमता बनी रहेगी और परिवार के प्रति जिम्मेदारी पूरे करने में आप सफल होंगे। क्या करें, कोई भी कार्य पारिवारिक रजामंदी से करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या ना करें, अपनों के साथ कार्य में मनमुटाव न रखें। नमोनारायण। तुला वर्षिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात को लेकिन उससे पहले उपाय और अद्भुत देसी नुस्खा। साथियों, उपाय मेरे अनुभव के आधार पर है, संतों से सुना, विद्वानों से सुना, परखा और लगा कि इसका लाभ है, वही मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ रुक जाइएगा। जीवन यात्रा लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं सर्वे सर्वा हूँ, इस तरह के दावे करना न मेरी फितरत में और न मैं पसंद करता हूँ। प्रयास करता हूँ, कहीं काम आ जाता हूँ। यदि प्रयासों के बावजूद भी घर में धन की बरकत नहीं हो रही तो हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत मुख्य द्वार के दोनों ओर जल गंगा जल से पवित्र कर ली। कुमकुम केसर हल्दी घोलकर अपने दोनों हाथ स्याही इसे घोल से भिगोकर दीवार पर छाप दें और मुख्य द्वार के सामने सरसों का तेल का चौमों का दीपक ऐसा नियमित करिए, अवश्य धन संबंधी परेशानियों से आपसे मुक्ति मिल जाएगी। नमोनारायण। और बात करते हैं नुस्खों की। यदि कान में दर्द है, कोई बीमारी आपको हो, आपको तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, इसमें लापरवाही नहीं करनी। लेकिन इसके साथ साथ छोटे छोटे नुस्खे इन्हें अपनाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तुलसी के पत्तों का रस कपूर में मिलाकर थोड़ा सा गुनगुना करके कान में डाल के देगी, दर्द की शिकायत दूर हो जाएगी। नमोनारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ग्रह गोचर उत्तम, सितारों का शुभ संकेत, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। रुके हुए सभी कार्य बनेंगे। कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा और धन लाभ होगा। घरेलू समस्या और विवादों से छुटकारा मिलेगा। परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। मान और सम्मान बढ़ेगा। क्या करें, अधूरे कार्य को पूरा करें। क्या ना करें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनदेखा ना करें। नमोनारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, कारोबारी परिस्थिति में सुधार होगा और कारोबार में किए जा रहे प्रयास से धन संबंधी समस्या का समाधान मिलने की पुरजोर
कौशिक साहब के रंग लाएगी, सुखद स्थान के भ्रमण के अवसर मिलेंगे, किसी महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी नहीं करें तो बेहतर होगा। आज संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति भी मिली, परिवार का साथ भी मिलेगा, परिवार का प्यार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। क्या करें, सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना अति आवश्यक है आज के दिन। क्या ना करें, कारोबारी क्षेत्र में फिर बदल ना करें। नमन है। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, भयभीत नहीं होना भाई मेरे दोस्त, मैं खाली संकेत दे रहा हूं कि गोचर आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा है। क्या करना है, कान चौकस रखना, सुनना सबकी, करना वो जो आपका विवेक कहता है, क्योंकि गोचर अनुकूल नहीं तो कुछ शरारती लोग आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे, परिवार से दूर करने का प्रयास करें, इससे बचना। व्यवसायिक कार्यों के संबंध में गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी, और बुजुर्गों के मशवरों का ध्यान रखें। मान सम्मान की चिंता और अप्रिय समाज प्राप्त होता है आपकी कार्यशैली की वजह से, इसलिए कार्यशैली में थोड़ा सा सुधार रखें, ठीक रहेगा। क्या करें, पका हुआ पपीता छील कर गाय को खिला दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें, अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें, आलस्य और निष्क्रियता को न बढ़ने दें, न मना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल, जो कि नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः मेरा निवेदन कि मेरे विचार है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, है और आगे रहेगा। नमो नारायण। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले जाने। छोटा सा ब्रेक, ये गया और वो आया, आप कहीं नहीं जाना। नमो नारायण। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि मोशा महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। 18 नवंबर 2017 शनि मोशा महोत्सव, श्री शनि धाम, शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और NCR के लोगों से मेरा निवेदन है, श्री शनि धाम, शनि तीर्थ 16 फतेहपुर आने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा है, और ये बस सेवा KR मंगलम ग्रुप, जो एजुकेशन का ग्रुप है KR मंगलम, उन लोगों की। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो का प्रयोग करें, छतरपुर मेट्रो से आपको निःशुल्क बस की सुविधा मिलेगी, शनिधाम आने और वापस जाने। नमो नारायण। बहुत से लोगों ने कहा, दाती महाराज हमारे परिवार में समन्वय नहीं है, सुख नहीं है, परिवार में हमेशा कलह रहता है, परिवार के लोग एक साथ बैठ नहीं पा रहे, व्यवसाय में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ा, कारोबार में घाटा हो रहा, संपूर्ण सुख सुविधाओं के बावजूद भी सुख और समृद्धि का उपभोग नहीं कर पा रहे, क्या करें। अरे भाई, गुरुवार दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए, सारे कष्ट छुटकारा मिलते हैं। अरे गुरुवार दिन पूजा प्रारंभ करें, लगातार साल भर करें, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान में किसी धातु के पात्र में अंगुष्ठ प्रमाण श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें, सदैव जल गंगा जल पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान करें, नमो नारायण ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए गाय के कच्चे दूध से श्री नारायण का दूध दुग्धाभिषेक करें, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, श्री नारायण को मखमली पीले वस्त्र धारण कराएं, पीले वस्त्र के आसन में भगवान श्री हरिनारायण को स्थापित करें, ओम विश्व आत्मनय नमः इस मंत्र का जाप करें, भगवान श्री हरि को 108 तुलसी के पत्ते अर्पित करें, श्रद्धापूर्वक मिश्री का भोग लगाएं, तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर इसी मंत्र की ओम विश्व आत्मनय नमः 3 माला जाप करें, सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन और बात करते हैं आज के जीवन मंत्र। गुरु महाराज ज्ञान के दाता है, लेकिन पहले दाता शिष्य भया, शिष्य वह है जो अपने आप को समर्पित कर दे सदगुरु के शिष्य चरणों में ज्ञान की प्रति, जो अपने को मिटाने के लिए तैयार थे। विद्यार्थी वह है जो अपने आदर्श को बनाए में लगा रहता है, और जिज्ञासु वह है जो अपने को संवारने में लगा रहता है, नई खोज में संलग्न रहता है, जो कतूल से भरा रहता है। सभी विद्यार्थी शिष्य नहीं होते, विद्यार्थी की उत्सुकता ज्ञान में होती, शिष्य की उत्सुकता ध्यान में होती, और ज्ञान से तुम्हारा अहंकार बढ़ता है और समरता है, ध्यान से अहंकार मरता और मिटता है। इसलिए गुरु महाराज जी का ज्ञान, लेकिन उसका भजन करिए उनके चरणों में रहते हुए, क्योंकि ध्यान भी कई बार, ज्ञान भी कई बार पद से हटा देता है। साथियों, ज्ञान है, शरणागत भाव से रहिए, उनके चरणों में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुमरण करिए, आपका भला हो। समय छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूँगा। नमो नारायण। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि मोशा महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। 18 नवंबर 2017 शनि मोशा महोत्सव,
श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक शाम कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और NCR के लोगों से मेरा निवेदन है, श्री शनि धाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर आने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा है। और ये बस सेवा KR मंगलम ग्रुप, जो एजुकेशन का ग्रुप है KR मंगलम, उन लोगों की बस है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो का प्रयोग करें। छतरपुर मेट्रो से आपको निःशुल्क बस की सुविधा मिलेगी शनि धाम आने और वापस जाने। नमो नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और ये समय है प्रभु के दर्शनों का, और दर्शनों के लिए चलते हैं धाती धाम। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि मौसा महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। 18 नवंबर सन 2017 शनि मौसा महोत्सव श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और NCR के लोगों से मेरा निवेदन है, श्री शनि धाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर आने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा। और ये बस सेवा KR मंगलम ग्रुप, जो एजुकेशन का ग्रुप है KR मंगलम, उन लोगों की बस है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेट्रो का प्रयोग करें। छतरपुर मेट्रो से आपको निःशुल्क बस की सुविधा मिलेगी शनि धाम आने और वापस जाने। नमो नारायण। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरण में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही कल्पना। गुरु मंत्र जन्मदिन की शुभकामनाएं, जन्मदिन का उपाय है शुक्रवार का राशिफल, माँ लक्ष्मी को कैसे मैंने पूछा और मंत्र जीवन मंत्र सुझाव देसी नुस्खे उपाय और वास्तु सलाह लोगों ने। आज अपनी गुनाह अपनी भूल अपनी गलती की संपूर्ण राष्ट्र हृदय से माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।